हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनालॉजी में लेक्चर नंबर 6। हमने 5 लेक्चर्स डिस्कस कर लिए हैं और जो लेक्चर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जो एनालॉजी के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए, आईबीपीएस के लिए और एसबीआई एग्जाम के लिए। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 26। हमने 25 तक डिस्कस कर लिया है, सो नाउ वी विल डिस्कस 26। तो बी वाई सी के इज टू डी डब्ल्यू ई आई, देन एफ यू जी टी इज टू वॉट। तो जो रिलेशन बी वाई सी के और डी डब्ल्यू ई आई में है, वही रिलेशन एफ यू जी टी और क्वेश्चन मार्क में जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या आएगा। ओके, सो बी वाई सी के और डी डब्ल्यू ई आई में हम देखते हैं क्या रिलेशन है। बी इज दिस टर्म एंड डी इज दिस टर्म। तो बी से डी हमें दिख रहा है इट इज +2, देन वाई से डब्ल्यू हमें दिख रहा है इट इज -2, देन सी से ई दिख रहा है हमें +2 और ई से के से आई दिख रहा है हमें -2। तो एग्जैक्टली यही रिलेशन हमें अप्लाई करना है यहां पर भी। तो एफ में क्या करेंगे, सबसे पहले +2, तो कितना आ जाएगा एफ यू जी एंड टी में, एफ में हमने किया +2, तो +2 करने पे यहां पे आया एच, देन यू में -2, यू कहां पे है, ये रहा यू, -1 एंड -2, तो यहां पे आएगा एस, देन जी में +2, तो जी में +2 करा तो यहां पे आई आया, और टी में -2, सो टी यहां पे है, -2 करा तो आर आया। तो करेक्ट आंसर इज एच एस आई एंड आर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी 27th। बकेट इज टू दिस कंप्लीट एंड देन बोनस इज टू व्हाट। ओके, तो हम देख सकते हैं यहां पर जो टर्म है, यहां पर फर्स्ट टर्म एक मीनिंगफुल वर्ड है। ओके, मीनिंगफुल वर्ड यहां पे हमें दिखाई देता है, तो इसका मतलब यहां पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज लिखी है, कुछ ना कुछ इस तरह का एनालॉजी लग रहा है कि जो बकेट वर्ड है इसके लेटर्स को यूज करके कुछ बनाया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लेटर्स हैं, लेकिन यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 लेटर्स हैं। तो 6 लेटर्स और ये 12 लेटर्स, मतलब हर एक लेटर के कॉरस्पॉन्डिंग 2 लेटर्स लिखे जा रहे होंगे, तभी ये 12 लेटर्स बन सकते हैं। तो हम देख सकते हैं व्हाट इज बी। बी की जगह पे अगर 2 लेटर्स ए और सी को ध्यान से देखें तो बी ये रहा और ए क्या है -1 और सी क्या है +1 करके, तो हमने बी को रिप्लेस कर दिया ए और सी से। ओके, देन यू को कैसे रिप्लेस किया, यू ये रहा -1 और +1 से, यू को हमने टी और वी से रिप्लेस करा, देन सी को हमने रिप्लेस करा किससे, सी यहां पर है तो -1 +1, तो बी और डी से। इसके बाद के को कैसा रिप्लेस करा, -1 +1, तो जे और एल से। ओके, तो इस तरह से हमने बेसिकली क्या किया है, जो भी लेटर्स इस वर्ड में है, इस बकेट वर्ड में, उन सभी के कॉरस्पॉन्डिंग 2-2 लेटर्स को रिप्लेस कर दिया। ओके, उनकी सभी के कॉरस्पॉन्डिंग 2-2 लेटर्स को हमने रख दिया, जिसमें पहला लेटर -1 करके आता है, दूसरा लेटर +1 करके आता है। तो इसका मतलब ये जो बोनस वर्ड है, ये अगेन एक मीनिंगफुल वर्ड है और इसमें भी हमें सेम रिलेशन अप्लाई करना है। सो लेट सी, यहाँ पर बोनस में जो बी लिखा हुआ है, इस बी के कॉरस्पॉन्डिंग हम ए और सी रखेंगे, और ओके, बी के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या रखेंगे, ए एंड सी, देन ओ के कॉरस्पॉन्डिंग क्या रखेंगे, ओ ये रहा -1 एंड +1, तो -1 करेंगे ओ में तो एन आएगा, +1 करेंगे तो पी आएगा, तो एन एंड पी। ओके, देन एन के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या रखेंगे, -1 m एंड देन +1 is o। ओके, देन यू के कॉरस्पॉन्डिंग क्या रखेंगे, यू यहाँ पे है तो टी एंड वी। ओके, देन एस के कॉरस्पॉन्डिंग क्या रखेंगे, वी कैन सी एस के कॉरस्पॉन्डिंग हम कहाँ रखेंगे, एस, दिस इज द एस, तो -1 एंड +1, तो R और T। तो बोनस वर्ड की जगह पे आप लिखेंगे A C N P M O T U, सॉरी T V एंड R T। सो A C N P M O T V R T, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। यू कैन सी A और C और D तीनों ऑप्शन लगभग मिलते जुलते हैं, बस एक एक लेटर्स का ही डिफरेंस है, तो इसलिए बहुत ध्यान से आपको ढूंढना पड़ेगा आंसर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, लेट्स सी द 28th क्वेश्चन। 3:81 देन 6:what। ओके, तो जो रिलेशन 3 और 81 में है, वही रिलेशन 6:2 क्वेश्चन मार्क में आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 81 और 3 में क्या रिलेशन है। 3:81 में मैं इस 81 को लिख सकता हूं 3 की पावर 4। ओके, सो 3:3 की पावर 4, तो इसका मतलब सेकेंड यहां पर भी क्या होना चाहिए, 6:6 की पावर 4। अब ये जरूरी नहीं कि ये जो हमने रिलेशन सोचा है ये सही हो, आपको आंसर भी चेक करना होगा।
So what we can see, 6 ki power 4 is 6, 6 are 36, and again 6, 6 are 36. So 36 into 36 will give you 1296. Okay, so 1296 आता है इन दोनों को multiply करके. तो क्या 1296 हमारे option में है? Yes, 1296 हमारे option में available है. इसका मतलब जो relation हमने यहाँ पर सोचा है वो बिल्कुल सही है. Okay, relation बिल्कुल perfect है. कैसा relation है? X is to x की power 4. मतलब first term और second term क्या हो जाएगा? First term की power 4. So option A is the correct answer. Okay, then option then question number 29. You can see picture is to clock is to wall. तो जो relation picture, clock और wall में है, वही relation हमें इन चार में से option में ढूंढना है कि किस option में ये same relation apply हो रहा है. तो किस तरह का relation है picture और wall, clock और wall में? I can see picture is something which is hanged on wall, okay, and clock is also something which is which can be hanged on this wall, okay. मतलब picture और clock दोनों ही ऐसी चीज़ हैं जो हम वॉल पे टांग सकते हैं, वॉल पे टांगी जा सकती है. तो इसका मतलब ये दोनों चीजें वॉल से रिलेटेड हैं. तो हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में इस तरह से थर्ड टर्म जो है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों से रिलेटेड है. सी, फर्स्ट ऑप्शन इज पिलो इज टू क्विल्ट इज टू बेड. ओके, पिलो और क्विल्ट क्या है? दोनों ही क्या है? जब हम बेड पे रेस्ट करते हैं तब हम इन्हें यूज करते हैं. तो ये आंसर बिल्कुल हो सकता है. सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं, पेन इज टू पेंसिल इज टू कलर. तो पेन, पेंसिल और कलर में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जो कि पिक्चर, क्लॉक और वॉल में है. ओके, पिक्चर वॉल पे ही टांगी जा सकती है, क्लॉक भी वॉल पे टांगी जा सकती है. ठीक है, नाउ यहाँ पर पेन, पेंसिल और कलर में कोई वो रिलेशन नहीं है जो इसमें रिलेशन है. आप ये सोचेंगे कि पेन कलरफुल हो सकता है, पेंसिल कलरफुल हो सकती है, बट ये रिलेशन सही नहीं हुआ. ओके, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा. फ्लावर्स और गार्डन और पार्क, ये रिलेशन बिल्कुल ही गलत है, बिकॉज गार्डन और पार्क तो सेम ही चीज होती है, तो ये गलत हो गया. देन फुटपाथ, रोड एंड हाईवे, अगेन रोड और हाईवे भी सेम चीज होती है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया. तो बचा क्या? सिर्फ ऑप्शन ए. तो पिलो एंड क्विल्ट इज टू बेड इज द करेक्ट आंसर. तो पिलो और क्विल्ट क्या है? ये दोनों वो चीज हैं जो हम रात को बिस्तर पे सोते समय यूज करते हैं. ओके, लेट्स मूव टू 30th क्वेश्चन. वाई डब्ल्यू जेड के जेड एक्स एंड यू एस टी यू एस वी टी एम के एन एल इज टू वॉट. मतलब जो रिलेशन YWZK और USVT में है वही रिलेशन MKNL में भी लगाना है. सो यहाँ पे हमें दिख रहा है दिस इज Y, U यहाँ पे है तो -1, -2, -3, -4 करके आ रहा होगा. देन W, वेर इज W? W इज दिस वन. सो -1, -2, -3 एंड -4 से S आ रहा है. तो Y से यहाँ पे U जा रहे हैं -4 करके, W से S पे जा रहे हैं -4 करके, Z से -1, -2, -3 एंड -4. तो Z से भी हम क्या कर रहे हैं? -4 करके जा रहे हैं. ओके, एंड दिस X, X से T कैसे जा रहे हैं? ये रहा X, -1, -2, -3 एंड -4. तो X से T भी क्या है? -4. नाउ यहाँ पर अभी हमें सेम रिलेशन अप्लाई करना है. M में हम -4 करेंगे, तो -1, -2, -3 एंड -4. तो यहाँ पर हम जब M K N L में यहाँ पे -4 करेंगे तो ये I आ जाएगा. K में -4 करेंगे, K यहाँ पे है -1, -2, -3 एंड -4, तो यहाँ पे G आ जाएगा. देन N में -4 इज -1, -2, -3 एंड -4, तो यहाँ पे G आएगा. और L में फिर से -1, -2, -3 एंड -4, तो यहाँ पे आ जाएगा H. तो करेक्ट आंसर आएगा I, G, H एंड J. तो I, G, H, J, यू कैन सी दिस इज ऑप्शन B. सो ऑप्शन B इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, दिस कंप्लीट्स अवर लेक्चर. हम और अच्छे क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में. थैंक यू.